कंडेंस्ड मिल्क बहुत सारी रेसिपीज में यूज होने वाला, और आज हमने इसे घर पे ही बनाया। ये देखिए कितना अच्छा बना है। हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कंडेंस्ड मिल्क, जो बहुत सारी रेसिपीज में यूज होता है। बहुत सारे केक्स में भी हम इसे यूज करते हैं। एगलेस केक बनाना हो तो भी हम इसे यूज करते हैं। तो बहुत सारी स्वीट्स में, मिठाइयों में भी इसे यूज़ किया जाता है। वैसे तो मार्केट में भी मिल जाता है बड़ी आसानी से, पर घर में अपने हाथ से बनाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाया है मैंने कंडेंस्ड मिल्क। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसमें आधा लीटर मैंने दूध ले लिया, फुल फैट मिल्क है ये। और अब इसको उबाल आने देते हैं। गैस का फ्लेम अभी मैंने हाई ही रखा है। एक उबाल आ जाए फिर हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। ये उबाल आ चुका है तो अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। अब इसमें हम 100 ग्राम के करीब चीनी डाल देंगे। अब इसमें एक पिंच मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, उसकी डाल देंगे। सिर्फ एक पिंच ही डालनी है और इसको लगातार हिलाते रहेंगे। स्लो फ्लेम पर ही रखेंगे और कॉन्टिन्यूस इसको हिलाते रहना है, जब तक कि दूध आधा ना रह जाए। रिड्यूस होके दूध आधा ना रह जाए तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे इसी तरह से। ये देखिए दूध आधा रह गया है, रिड्यूस होके आधा हो चुका है। तो अभी भी इसे हम थोड़ी देर और इसी तरह से पकाते रहेंगे। गैस का फ्लेम अभी भी स्लो रखेंगे। ये देखिए अब हमारा कंडेंस्ड मिल्क लगभग बनकर तैयार हो चुका है। कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है और टेक्सचर भी क्रीमी सा हो गया है। तो ये हमारा अब कंडेंस्ड मिल्क बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना इजी है कंडेंस्ड मिल्क बनाना। आप भी इसे घर पे ही बनाएं और बहुत सारी मिठाइयों में, केक्स में और बहुत सारी और रेसिपीज में इसे यूज़ करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टेस्ट आपका और आइडिया मेरा। बने रहिए फिर टेस्टी ट्विस्ट में मेरे साथ इसी तरह से। धन्यवाद।